welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. In this time, I am going to discuss with you an important theory of administration, which we are studying in the field of educational administration, that is scientific management theory. Scientific management theory of Taylor. Okay, so let's start. हम पढ़ रहे हैं आजकल शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन, जिसमें कि हमको पढ़नी है उसकी थेरीज, और हम ये जान चुके हैं कि जो शैक्षिक प्रबंधन है उसमें हम जो प्रबंधन के जो अनुशासन है उसके डिसिप्लिन, उसके थेरीज का इम्प्लीकेशन या एप्लीकेशन पढ़ते हैं. तो ये जितनी भी थेरीज हम इसमें पढ़ेंगे वो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन की थेरीज हैं. हम उसको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में अडॉप्ट कर रहे हैं, अनुकूलित कर रहे हैं, उनके उनके सिद्धांतों का अनुप्रयोग कर रहे हैं अपनी शिक्षा के क्षेत्र में. आपको देखना होगा. तो हम वैज्ञानिक प्रबंधन से शुरू करेंगे. ये सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी इन द सेंस हिस्टोरिक थ्योरी है. यहीं से शुरुआत होती है मैनेजमेंट की थ्योरीज की, बाद में इसके बाद और जुड़ती जाती है थ्योरीज में. तो ये मेनली क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंतर्गत आती है. मतलब इसकी मेन हेडिंग क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट आया और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आया. तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट आया उसको टेलर ने दिया है. एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में वेबर की थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी पढ़ी जाती है. तो सबसे पहले कि थ्योरी क्या है, ये थ्योरी, दी थ्योरी और अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इमर्ज्ड इन द 20th सेंचुरी अंडर द लीडरशिप ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर. एफ डब्ल्यू टेलर ने 20वीं शताब्दी में इस सिद्धांत को, मतलब यू कैन से कि इमर्ज किया, इवॉल्व किया, शुरुआत की. दिस थ्योरी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ मूवमेंट दैट बिगेन टू इन्फ्लुएंस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन दोज टाइम्स. इस थ्योरी को किस प्रकार से आप विवरण कर सकते हैं, इसका वर्णन ऐसे कर सकते हैं कि यही वो थ्योरी रही जिसने कि एज ए मूवमेंट, एक तरीके से आंदोलन उसने चला दिया, जिसने की प्रभावित किया. किसको प्रभावित किया? उस वक्त की जो संस्थान थे, जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, उसके प्रशासन और प्रबंधन को. दिस इज अ थ्योरी व्हिच एनालाइजेस एंड सिंथेसाइजेस वर्क फ्लोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ये वो सिद्धांत है जिसने एक संस्था के में वर्क फ्लो कैसे चल रहा है, एम्प्लॉय कौन है, वर्कर कौन है, मैनेजर कौन है, उसमें क्या हायरार्की है, इन सब का विश्लेषण और संश्लेषण करती है. द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और अप्रोच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. है ना, जन प्रशासन, लोक प्रशासन का जो ट्रेडिशनल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज में ये मानी जाती है. टेलर वॉज एन इंजीनियर बाई प्रोफेशन एंड ऑलवेज व्यूड एवरीथिंग एंड इट आस्पेक्ट्स एंड इट्स आस्पेक्ट साइंटिफिकली. सिंस ही वॉज इन द प्रोडक्शन फील्ड, ही वॉज कंसर्न विद इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन विद इन लीस्ट पॉसिबल टाइम विद द लीस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज. चूंकि टेलर साहब जो थे वो एक प्रोफेशन से इंजीनियर थे, और आप इनकी बायोग्राफी पढ़े तो आप जानेंगे कि बहुत लोअर कैडर में इन्होंने रिक्रूट हुए थे. तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, हर मामले में ये हर चीज को इस एंगल से देखते रहे कि कैसे साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल करके आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं लीस्ट पॉसिबल वे में, लीस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज के संग मैक्सिमम आउटपुट के संग. मतलब एकदम यू कैन से ना कि बिजनेस माइंडसेट, या जो कि कैसे हम बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्शन करें, हमारा खर्चा कम से कम लगे, समय कम से कम लगे, इन सब पे सारा इनका एम्फेसिस था. तो दस रूलिंग आउट वेस्टेज टू द मैक्सिमम एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो इनका मेन उद्देश्य साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का ये रहा कि जो अपव्यय हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, आप उसको कम से कम रखिए, और जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उसको अधिक से अधिक रखिए. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच इन इट्स लिटरल सेंस मींस अ साइंटिफिक वे ऑफ मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन. तो एक तरीके से जो आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी अप्रोच है वो आप क्या कह सकते हैं, शाब्दिक अर्थ में देखें तो एक संस्था को कैसे आप साइंटिफिकली मैनेज कर सकते हैं, यही साइंटिफिक मैनेजमेंट है. दिस थ्योरी हेल्प्ड पेव द वे फॉर मेनी मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोचेस एंड टेक्निक्स. और इस थ्योरी ने बहुत सारे आगे आने वाली आधुनिक प्रबंधन के उपागमों और टेक्निक्स के लिए रास्ता बनाया. अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू want your men to do and seeing what they do in the best and cheapest way. उन्हीं के शब्दों में देखा जाए तो वैज्ञानिक प्रबंधन एक कला है ये जानने की कि आप अपने मनुष्यों से मतलब कि आपके यहाँ जो employees है, आपके यहाँ जो worker है, आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं, उनसे क्या चाहते हैं, और ये देखना कि वो कैसे उसको सबसे बढ़िया और सबसे कम संसाधनों में कर सकते हैं. The term scientific management was coined by Louis Brandeis in 1910 and was used by Taylor to give scientific techniques to make the working of an organization efficient. ये जो वैज्ञानिक प्रबंधन का शब्द है ये लुईस ब्रैंडिस ने दिया, और इसका इस्तेमाल टेलर साहब ने किया अपनी साइंटिफिक थ्योरी में.
इनकी थ्योरी को टेलरिज्म के नाम से भी जानते हैं, तो आप हमेशा जब भी कोई थ्योरी पढ़िए जरूर उसके प्रोपेगेटर का नाम उसके संग याद रखिए, वरना हो सकता है कभी ये टेलरिज्म के नाम से पूछ ली जाए। तो आप साइंटिफिक मैनेजमेंट जानते होंगे पर ये नहीं पता होगा कि टेलर ने दी है, तो आप टेलरिज्म नहीं लिख पाएंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए। द साइंटिफिक थ्योरी हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट एंड प्रैक्टिस इन बोथ इंडस्ट्रियल एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इस थ्योरी का, इस सिद्धांत का एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट रहा, एक प्रभावपूर्ण, इसका महत्वपूर्ण प्रभाव रहा कि जो भी गवर्नमेंट, ये मतलब सरकारी और इंडस्ट्रियल औद्योगिक ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट और प्रैक्टिस को आप बढ़िया कर सकते हैं। तो इसके कुछ सिद्धांत भी है। टेलर व्हाइल लेइंग द फाउंडेशन ऑफ हिज थ्योरी बिलीव्ड दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन फिक्स्ड लॉज एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। क्योंकि ये साइंटिफिक प्रिंसिपल को अपने आप अपना रहे हैं, तो इन्होंने माना कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाएं हमको उसमें फिक्स्ड लॉ और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लागू करने चाहिए, मतलब एकदम नियम, इतने बजे आना है तो इतने बजे आना है, एकदम इस तरह से बिल्कुल फिक्स्ड है। As he believed that to move towards effectiveness, there was a need to develop technical competence, rationalization, and specialization in the working of an organization. और ये विश्वास रखते थे कि अगर हमको इफेक्टिव बनना है, प्रभावपूर्ण बनना है, प्रभुत्वशील बनना है, तो हमको एक टेक्निकल, मतलब तकनीकी दक्षता, तार्किकता और विशिष्टता लानी चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन। As he carried on with his study of organization and its management, he observed that there was a tendency on the part of workers to neglect work and restrict the output. क्योंकि ये worker cadre में भी रहे, तो इन्होंने ये पाया कि workers की ये tendency होती है कि वो काम को दरकिनार करें और हमारा output कम हो जाए। This he called soldiering. इसको इन्होंने soldiering का term दिया। उन्होंने कहा soldiering दो तरीके की हो सकती है, natural और systematic। जो नेचुरल सोल्जरिंग है उसमें क्या है कि हैबिट, ये वर्कर्स की आदत ही होती है कि इसको इजी, टेकिंग इट इजी, अरे ठीक है कर देंगे, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कौन सा भागा जा रहा है समय, इस तरह से, एंड नॉट बीइंग ओवर एम्बिशियस, और वो बहुत एम्बिशियस नहीं होते हैं, महत्वाकांक्षी। एंड जो लेटर है वो सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स उसमें बाधक होते हैं जो कि वर्कर्स के आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये दो कारण होते हैं जिससे कि वर्कर्स अपना मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे पाते हैं। तो अगर इनकी थ्योरी को हम ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में हो गया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उन्होंने कहा विज्ञान लगेगा, रूल ऑफ थंब नहीं होगा। रूल ऑफ थंब की जैसे मैनेजर साहब ने कह दिया ऐसा होना है, मैनेजर साहब के कहने से नहीं, वैज्ञानिक तरीके से, रैशनल तरीके से, तार्किक तरीके से अगर वो सही है तो ही सही। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। उन्होंने कहा कि जो वर्कर है, जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉई है, उसके बीच में सामंजस्य होना चाहिए, जो लोअर कैडर है अपर कैडर में हार्मनी होनी चाहिए, तभी काम चल पाएगा। फिर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हमको मिलजुल कर काम करना है, अपना अपना विकास नहीं करना है, अपना अपना फायदा नहीं करना है, बल्कि कंपनी का फायदा करना है, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा करना है। और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोफिशिएंसी। और वर्कर जो है, जो उसमें दक्षता का जो उच्चतम लेवल है वहां तक वो हो जाए, ताकि वो उसका भी विकास हो और क्या नाम है आपका, संस्था का भी विकास हो। तो ये कुछ नियम इनके प्रिंसिपल्स हैं जिसपे ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बेस्ड है। इसके अलावा भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड, जो कार्य के तरीके हैं आप उनको स्टैंडर्डाइज करिए, इसी तरीके से चलेगा, बेंचमार्क एकदम सेट होना चाहिए, यहां तक आपको पहुंचना है। फिर इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। जो आपका प्रबंधन तंत्र है और जो आपके कार्यकर्ता हैं, उन दोनों के बीच में आप डिवीजन ऑफ वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल कीजिए, मतलब जिम्मेदारी आपकी भी हमारी भी है। जिम्मेदारी जब शेयर्ड होती है तो जनरली वो किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स एंड देयर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। जो आप वर्कर्स का सिलेक्शन करेंगे वो साइंटिफिक तरीके से, मतलब उनकी दक्षता के हिसाब से किस कैडर में भेजा रहा है, ये नहीं कि फेवरेटिज्म, आप हमारे प्रिय हैं आप ये बन जाइए, ऐसे नहीं। एंड देयर, और उसी तरह से उनका प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट भी हो। जो ये इसके सिद्धांत हैं, आपको, आप चूंकि इसको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ रहे हैं, तो आप इसको एजुकेशन में अप्लाई करते चलिए कि आपके संस्थान में वर्क मेथड स्टैंडर्डाइज होंगे, कि इसी समय एग्जाम होगा, यही असेसमेंट का तरीका होगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे बेस्ड होगा, व्हाटसोएवर। फिर काम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर और प्रिंसिपल के बीच में वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी का इक्वल डिवीजन होगा। उसी तरह से टीचर्स को भी उसके सिलेक्शन के हिसाब से कैडर दिया जाएगा, इंटेलिजेंट साइंटिफिक तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा, फेवरेटिज्म के आधार पर नहीं किया जाएगा। तो ये सब जब आप पढ़ रहे हैं, तो चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी है, तो आपको उसको शैक्षिक प्रशासन में कैसे यूज करना है, आप साइड बाय साइड सोचते चलिए, क्योंकि आपको एक्चुअली, आप एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट नहीं है, है? फिर म्यूचुअल कोलैबोरेशन ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, हमको म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ चलना है, ये सब कुछ और इनके कुछ सिद्धांत रहे। फिर अप्रेजल, अगर हम इसका आकलन करें तो ये कैसी थ्योरी रही। द मेन फोकस ऑफ द साइंटिफिक थ्योरी वाज ऑन द शॉप फ्लोर एंड रीफॉर्मुलेशन ऑफ सुपरवाइजरी कॉन्सेप्ट्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज, लिटिल अटेंशन वाज पेड टू द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो मेन था वो एकदम, मतलब निचले स्तर पर इन्होंने सबसे ज्यादा एम्फेसिस किया आप कह सकते हैं, और पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पे उतना ध्यान स्ट्रक्चर पे नहीं दिया।
फिर इस अप्रोच को मैकेनिकल सिस्टम माना जाता है। इन्होंने कहा ह्यूमेन एलिमेंट तो आप देख ही नहीं रहे, फिक्स्ड लॉज, साइंटिफिक लॉज, आप चूंकि ह्यूमंस के साथ काम कर रहे हैं तो आपको ह्यूमैनिटी का टच तो देना पड़ेगा। फिर इन्होंने कहा कि जो मोटिवेशन का कंसेप्ट है, उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक होता है, मतलब ज्यादा सैलरी तो ज्यादा काम करेगा व्यक्ति, ये इसका एक क्रिटिक है यूपीएन से। फिर टेलर इम्फेसाइज्ड कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड सुपरवाइजर्स व्हिच द ट्रेड यूनियंस परसीव एज अ थ्रेट टू यूनियनिज्म एंड वर्कर्स राइट्स। तो जो ट्रेड यूनियन थे उन्होंने भी कहा कि ये तो बिल्कुल बिल्कुल बराबर बराबर बांट दिया इन्होंने, तो हमारे जो राइट्स हैं वो बाधित हो रहे हैं। मैनेजर्स ने भी इसका अपोजिशन किया, उन्होंने कहा कि साइंटिफिक मेथड ने हमारे जजमेंट के लिए तो कोई जगह नहीं छोड़ी, हम कुछ कह नहीं सकते, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, जो कह रहा है वो साइंस कह रहा है। तो दोनों ही पक्ष इससे असंतुष्ट रहे। The classical writers have been criticized generally for not taking sufficient account of personality factors. Personality factor की कोई बात ही नहीं है। Simon कहते हैं कि organizational design is not unlike architectural design. आप इसमें architecture design की तरह से नहीं चल सकते हैं। इसमें आपको large complex system है, इनके multiple goals हैं। इसमें आप मनुष्यों के साथ काम कर रहे हैं। तो it is illusory to suppose that good designs can be created by using the so-called principles of classical organization theory. इसलिए कहा गया कि classical organization theory के principles को apply करके हम बढ़िया organizational design नहीं बना सकते हैं। तो ये इनका एक इनकी आलोचना रही। उसी तरह से उन्होंने कहा कि आप इसको practice में लाएंगे तो इसकी effectiveness पे सवाल उठेंगे और these principles are still, लेकिन फिर भी ये principles आज भी still of relevance है, मतलब आप बिल्कुल भी unscientific, non-scientific तरीके से भी नहीं चल सकते हैं, तो scientific management की प्रासंगिकता भी है, ऐसी बात नहीं है। और अगर इसको relevance और conclusion देखना चाहें तो even though it drew a lot of criticism, बहुत इसकी आलोचना हुई, still आप इसको underestimate नहीं कर सकते कि इस theory ने management की और theories के विकास के लिए रास्ता बनाया। Taylor was not totally against human relations, वो human relations के बिल्कुल खिलाफ नहीं थे, बल्कि अपने एक आध principles में उन्होंने कहा भी है कि mutual collaboration of workers and management की जब वो बात करते हैं तो इसका मतलब कि वो workers के हित का सोच रहे थे। और टेलर और जितना भी आप इनके से सहमत हो या असहमत हो, फिर भी इन्होंने एक इस तरीके की थ्योरी हमको दी जिसने मॉडर्न मैनेजमेंट की थ्योरी को विकास के लिए आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल दिया। वर्क स्टडी, ऑर्गेनाइजेशन, मेथड्स, पेमेंट बाय रिजल्ट्स, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और प्रोडक्शन कंट्रोल पे इनका बहुत इम्फेसिस है, उसको इन्होंने सुधारा। ठीक है, तो ये रही साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। आप इसको पब्लिक एड में पढ़िए, आप इसको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़िए, जहां पढ़िए उसी तरह से इसको अप्लाई करिए। पर एक्चुअली थ्योरी है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स से हमको मैनेज करना है अपना ऑर्गेनाइजेशन, एक लाइन में। तो ठीक है, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माय साइड।